एनडीए की रणनीति की जीत हुई है, वहीं समाजवादी पार्टी देश के तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। जहां पार्टी को इतना बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन मिला है, वहीं समाजवादियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। जनता की एक एक बात, जनता की समस्याओं का उठाना, उनके हित में अपनी बात रखना, समाजवादियों का लगातार संघर्ष रहेगा लोकसभा में, इससे ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में और उनके लिए सेवा कर सकें। यहाँ दो तरह के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सांसद हुए, एक जो जिनको सर्टिफिकेट मिल गया है। 2024 के चुनाव में हमारे साथ यहाँ वो लोग हैं जिन्हें सर्टिफिकेट मिल गया, और दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे साथी हैं बीजेपी की सरकार में जिन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया उनकी धांधली की वजह से। हम दोनों सांसदों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।